हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, ये वीडियो मेरी थोड़ी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होने वाली है। इसमें मैं अपने बारे में बताऊंगा सब कुछ, कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, कैसे रहता हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अभी मैं नहाया नहीं हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं नहा लेता हूँ। नहा के फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ और सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। शुरुआत में ही सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले मैं नहा के आता हूँ और फिर नहा के मिलता हूँ। तो गाइज, मैं निकल लिया हूँ आज सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को, कि कैसे क्या सब कुछ। फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है उसके लिए गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी निकाल के एक जगह चलेंगे और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे मतलब मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलते हैं, पहले वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। घर पर लोग आए हुए हैं, कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, कहीं चलते हैं। तो गाइज़, मैं आ चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। फ़िलहाल मैं हूँ जेपी होटल में, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पे अच्छी वीडियो बन जाएगी। घर पे नहीं बन पा रही है तो जेपी होटल पास में ही था, मैं यहीं पे आ गया। क्या ये लोकेशन ठीक है? वैसे मुझे यही वाली बेस्ट लग रही है, पर यहाँ पे पीछे बच्चे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, तो अगर नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ अवॉइड करना। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताना चालू करता हूँ। एक्चुअली मैं अपना ट्राइपॉड लाना भूल गया, तो इसलिए इसको, स्टैंड को मैं यहाँ पर रख लेता और यहाँ पर रख के फिर बना सकता था अच्छे से, पर हाथ में पकड़ के बताना पड़ेगा जैसे व्लॉगिंग करता हूँ। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, उस टाइम मैं वर्किंग हूँ। उस कंपनी का नाम है IDC टेक्नोलॉजीज़, नोएडा सेक्टर 67 में बेस्ड है। मेरी कंपनी में जॉब डे की भी है, नाइट की भी है, लेकिन मैं रात में ही जॉब करता हूँ, जिससे कि मैं दिन में व्लॉगिंग कर सकूँ। पहली ये चीज़ कवर होगी, काफ़ी लोग सोचते होंगे कि इसके पास एक्सपेंस कहाँ से आता है, कहाँ से खर्चा करता है। कुछ लोग मुझे बोले भी थे, तो इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दूंगा। दूसरी चीज़, मैंने बीटेक कर रखी है गलगुटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, जो कि नोएडा में ही है। मैंने बीटेक किया है वहाँ से। यार, ये बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये वीडियो जो बन रही है इसमें नॉइज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। लेट्स कंटिन्यू। अब इसके बीच में मेरी जो अचीवमेंट्स हैं, मेरे जो गोल्स थे, जो चीज़ें मैंने सोची थी, वो जो थी वो सब कुछ बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, कैसे किया। गाइज, 2019 में बीटेक करने के बाद मेरा जॉब लेने का एकदम मन नहीं था। मैंने सोचा मैं जॉब नहीं लेता हूँ और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लेता हूँ। तो मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सिविल सर्विसेज, IAS, IPS ऑफिसर्स, जो पूरी ऑल ओवर इंडिया फेमस, एकदम बढ़िया तरीके से। मैंने सोचा मैं वही करता हूँ, मुझे वही मन है, और शुरुआत कर दी। मैंने उस जर्नी पर चला गया और एकदम बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाई की, दिल से पढ़ाई की। वाजीराम एंड रवि कोचिंग थी, उसको ज्वाइन किया, करोल बाग में थी। 6-7-8 महीने पढ़ाई की दिल से। उसके बाद कोविड आ गया, 2020 में कोविड आ गया, और कोविड आने के बाद सारी कोचिंग्स बंद हो गई थी, घर पे आके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। बैठे बैठे बता के मैं थक गया। तो 2020 में कोविड आ गया, कोविड आने के बाद मुझे घर पे आना पड़ा। घर पे आने के बाद मैंने ना पढ़ाई कर पाई ना कुछ कर पाया, क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, आप लोगों को अच्छे से पता है, मेरी नहीं हो पाती है, काफ़ी लोगों की हो जाती है। मैंने बाहर जो फोकस होके पढ़ाई की थी वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, और ड्यू टू सम रीजंस मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया और घर पे रहा, क्योंकि कोविड आ गया था। और फिर भाई, एक साल घर पे कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि डर था, बहुत ज़्यादा डर था कि कुछ हो ना जाए। इससे अच्छा है कि घर पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद गाइज, आई थॉट कि अब एक काम करते हैं, बीटेक की हुई है, एक डिग्री है मेरे पास, लेट मी टेक अ जॉब। अक्टूबर 2020 से मैंने IDC ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर आज तक काम कर रहा हूँ। अब मेरा मन था शुरुआत से व्लॉगिंग करने का। इस कंपनी से मैं काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तो सोचा कि IDC से जो अर्न कर रहा हूँ वो व्लॉगिंग में इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा पैसा लगाता हूँ। तो व्लॉगिंग मेरा चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। वैसे गाइस, जेपी होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, मतलब अभी शाम का समय हो रहा है और यहाँ का ये व्यू कितना ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, यही थी मेरी लाइफस्टाइल जैसे डेली मैं रहता हूँ। लेकिन इसमें मैं बीच में एक चीज़ और ऐड करूँगा, डेली का मेरा रूटीन क्या रहता है ये भी मेरा बताने का मन है। मैं डेली रात को शिफ्ट करता हूँ 7 to 4, उसके बाद सो जाता हूँ, सोने के बाद, उठने के बाद फिर व्लॉगिंग करता हूँ। उसी दिन व्लॉगिंग करने के बाद फिर ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 4-5 घंटे में शूट हो पाता है, उसके बाद फिर से ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन मैं उसको एडिट करता हूँ, बीच में जिम चला जाता हूँ, कभी कभी जिम जाता हूँ, कभी कभी जिम नहीं जा पाता हूँ। तो यही रहता है पूरा का पूरा रूटीन। इसको मैंने सबको सब चीज़ शॉर्ट में बता दी, जिससे कोई बोरियत ना लगे। तो फिलहाल सारी चीज़ कवर कर दिया। अगर कुछ भी चीज़ बची हो, कुछ भी क्वेश्चंस बचे हों कि मेरी लाइफस्टाइल में मैं इसको ऐसे कैसे मैनेज करता हूँ, उसको कैसे मैनेज करता हूँ, सब चीज़ ऐसी होती है। शिट, एक मिनट, जो चीज़ मेन बताने की थी वो अब बतानी है। वर्क फ्रॉम होम IDC कंपनी दे रखी थी, वो गाइस ख़त्म हो गया।
वो गाइस ख़त्म हो गया और अब ऑफिस जाना है मुझे। मेन इसीलिए ये वीडियो बनानी थी कि मेरा घर से काम ख़त्म हो चुका है और मुझे 5 जुलाई से ज्वाइन करना है ऑफिस में नोएडा में। इसके चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि मैं घर पर व्लॉगिंग अच्छे से कर ले जाता था, अब नोएडा में व्लॉगिंग होगी। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो मैं घर पर आ जाया करूँगा, घर से व्लॉगिंग कर लूँगा। तो गाइस यही था जो मुझे सारी चीज़ बतानी थी। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरी डेली लाइफस्टाइल देखिए, मेरी व्लॉगिंग देख के क्या आपको लगता था कि मैं जॉब करता हूँ, क्या आपको लगता था कि मैं इस लेवल की मेहनत करता हूँ, क्या मतलब मेहनत इन द सेंस, इस लेवल की मेहनत इन द सेंस मतलब जो मेहनत एक्चुअली मैं करता हूँ वो मेहनत आपको लगता था कि मैं करता हूँ? तो आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता था, या फिर आपको यही लगता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ बनाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। अब काफ़ी कैप्चर कर लिया ये वीडियो, इतनी इन्फॉर्मेटिव बन गई, इतनी ज़्यादा मतलब मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। शाम का समय हो चुका है, घर पर भी कुछ कुछ काम है, जिम भी जाना है अगर टाइम मिले तो, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है गाइस, जिम के लिए टाइम नहीं मिल पाता है एक्चुअली। मैं रात को ऑफिस करो पूरी रात 4 बजे तक, और उसके बाद सो के उठ के व्लॉगिंग करो। घर के भी काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो, इसका मेन रीज़न यही है मैं डेली व्लॉगिंग कर नहीं पाता हूँ, वरना मेरा खुद मन है मैं करूँ। डेली व्लॉगिंग करने में ना मेरा टाइम कंज्यूम होगा और उसके लिए मुझे अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, अगर ऑफिस छोड़ दिया तो मेरी शायद व्लॉगिंग हो ही नहीं पाएगी। फिलहाल जो मुझे बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, जेपी होटल से निकलता हूँ और अपने डेली रूटीन पे आता हूँ और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको जेपी होटल दिखाता हूँ, आया ही हूँ तो दिखाता हूँ, जेपी होटल दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से गाइस, ये सब रूम्स हैं, सारे के सारे रूम्स हैं, और आई थिंक जहाँ पे मैंने मोस्टली कैप्चर किया है वो स्विमिंग पूल एरिया था, स्पा एरिया था। यहाँ से जेपी होटल की एंट्री होती है, अंदर जाते हैं, यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ मुझे लगता था कि 100-150 रूम होंगे, लेकिन 400 के समथिंग अराउंड रूम्स हैं जेपी होटल में। तो गाइज़ ये है बाहर यहाँ का द लाउंज, और सामने है लेज़र मॉल, यहाँ पे जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक स्नूकर्स, टेबल टेनिस, वो सारी चीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ही शॉप्स भी हैं, नाइस। ये अंदर इसमें दिया हुआ है सारी चीज़ खेलने के लिए, दिस इज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। यहाँ पे स्नूकर्स है एंड दिस इज़ आई थिंक गोल्फ, नहीं दिस इज़ बोलिंग। हाँ जेपी आगरा में एक ही जगह बोलिंग है बस, वो भी जेपी होटल में। इस होटल में है बहुत कुछ दिखाने को, पर मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा होटल है यार, रूम्स हैं, बहुत जगह फैला हुआ है, बाहर निकलते हैं। गाइस हमारी गाड़ी भी आ चुकी है और चलो हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। तो गाइस आज तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आज मैं इस टाइम क्यों निकल रहा हूँ यहाँ से। ये देखो 6:40 होने वाला है और 7 बजे मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा, तो इसलिए मुझे यहाँ से एक्चुअली मैं निकलना पड़ रहा है क्योंकि मैं घर जाके ऑफिस अटेंड करना है। आज मैं आपके सामने एकदम शीशे की तरह हूँ, मिरर की तरह हूँ, और चलो बाहर चलते हैं। 20 मिनट बचा है फिर ऑफिस शुरू करना है, सुबह तक ऑफिस चलेगा, फिर मैं सोऊंगा और सोने के बाद फिर एडिटिंग करूंगा, इसीलिए एक दिन बाद वीडियो आ पाती है। तो चलो बाहर चलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ वापस, और देखो जैसा मैं बोल रहा था मेरा ऑफिस शुरू हो चुका है, ये आउटलुक खुला हुआ है, अभी बज रहा है 7:45। मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ काम नहीं आया है तो जिम चला जाता हूँ, क्योंकि अभी कोई मीटिंग नहीं है, कभी कुछ भी नहीं है। तो गाइज एक काम करता हूँ, सोच रहा हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि डर लगता है यार ऑफिस से कॉल आ गया, फिर जिम चलते हैं, जिम में मिलता हूँ आपसे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। गाइज आज एकदम नेचुरल व्लॉग है कि देखते हैं जिम करते हैं, अगर कॉल आ गया तो भाग के ऑफिस अटेंड कर लूँगा फिर से, अभी 7:45 हो गया है। चलो जल्दी से भाग के जिम करके आते हैं क्योंकि 9 बजे जिम बंद हो जाएगी। तो गाइस फाइनली मैं निकल रहा हूँ जिम, मैंने चेंज कर लिया है और जल्दी से शूज़ पहनता हूँ और निकलता हूँ, और काफ़ी अंधेरा हो चुका है यार, काफ़ी ज़्यादा, एकदम करीबन आठ बज रहा है। तो चलो गाइस चलते हैं और जिम करते हैं। Thank you.
फाइनली गाइज मेरी जिम कंप्लीट हो चुकी है और आज बहुत 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 मज़ा आया जिम करते हुए, क्योंकि गाइज चेस्ट का वर्कआउट था। अब मैं जा रहा हूँ घर पे, रात के करीबन 9 बज रहे हैं, मतलब 9 से ऊपर हो चुका है, तो मैं घर पहुँचता हूँ और आपसे घर पे मिलता हूँ। सॉरी गाइज थोड़ा पसीना आ रहा है, अजीब सा लग रहा होगा, पर घर पे मिलता हूँ। तो गाइज फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ घर पे और आज पता नहीं क्यों ज़्यादा थकान हो गई है और अब ऑफिस शुरू करता हूँ अपना। करीबन 9:15 बज रहा है और गाइज अब मेरा ऑफिस चलेगा तो सुबह के 4 बजे तक चलता है, उसके बाद मैं सोता हूँ। तो एक काम करता हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मैं नहाने जाता हूँ, नहा के कुछ अपना खाना डिनर जो भी है, जो भी अवेलेबल होगा वो खाता हूँ। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़।